हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आइयो, बढ़िया होंगे फ्रेंड्स। क्या आप भी इस गर्मी के मौसम में अपने चेहरे पर निखार बरकरार चाहते हैं? आज मैं आपको ना ही बेसन लगाना ना ही टमाटर लगाना, आज मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ जो आपके चेहरे को साफ भी करेगी, ग्लोइंग भी बनाएगी, चमकदार भी बनाएगी और बेदाग भी बनाएगी। तो जो आपको रेमेडी वीडियो में दिख रही है फ्रेंड्स, ये आपकी डलनेस को और दाग धब्बों को पूरी तरह से ख़त्म करके आपकी स्किन को टाइट करेगी, झुर्रियों को भी ख़त्म करेगी, ग्लो लाएगी, अलग चमक लाएगी। बहुत अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल नेचुरल है, असर आपको पहली बार में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इसे, कोई ताम झाम नहीं है। देखिए, आपको लेनी है थोड़ी सी फिटकरी, मैंने फिटकरी ली है, ये रेड कलर में भी आती है और वाइट कलर में भी आती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंड्स, फिटकरी में होती है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण, एंटी ऑक्सीडेंट गुण, जो स्किन को टाइट भी करती है, दाग धब्बों को, झाइयों को, झुर्रियों को बखूबी हटाने में बढ़िया काम करती है, यहाँ तक कि ये पिंपल को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। आपकी स्किन से डेड सेल्स को भी हटाएगी, स्किन को साफ भी करेगी, स्किन को टाइट भी करेगी और ओपन पोर्स होती है, छेद बड़े बड़े उन्हें मिनिमाइज भी करेगी। तो देखिए, मैंने इस फिटकरी को यहाँ पर कद्दूकस में घिस लिया है, क्योंकि अगर हम कूटेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर पीसेंगे तो। तो ज़रा सी चाहिए थी आधी चम्मच, मैंने इसे यहाँ पर कद्दूकस में घिस लिया है, इसका पाउडर बन गया है। तो इस पाउडर को देखिए मैं डाल दूँगी इस बाउल में रेमेडी बनाने के लिए। फिटकरी फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं लेनी है, बस एक चौथाई चम्मच पाउडर फिटकरी का आपको यूज करना है। चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो वो ज़रूर 100% काम करेंगी। तो देखिए, आपको फिर लेनी है यहाँ पर ग्लिसरीन, मैं ये ग्लिसरीन इसमें आधी चम्मच ऐड कर दूंगी। ग्लिसरीन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा, पीएच लेवल को बैलेंस भी करेगा, इस गर्मी के मौसम में टैनिंग हो जाती है उसे भी ये ख़त्म करने में हेल्प करेगी, और साथ ही साथ दाग धब्बे हैं और झुर्रियाँ हैं उन्हें भी हटाने में हेल्प करेगी। स्किन में कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाएगी, जिससे झुर्रियाँ कम होंगी और स्किन जवान दिखाई देगी, टाइट दिखाई देगी। तो यहाँ पर ले लिया मैंने ग्लिसरीन भी। अब देखिए, लेना है आपको यहाँ पर गुलाब जल, एक चम्मच इसमें गुलाब जल आपको ऐड कर देना है। आपकी स्किन को ठंडक तो देगा ही, साथ ही साथ स्किन को साफ भी करेगा, स्किन को फ्रेश भी बनाएगा और दाग धब्बों को, झाइयों को, झुर्रियों को भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा ग्लिसरीन के और फिटकरी के साथ मिलकर। तो एक डेढ़ चम्मच आपको रोज वाटर ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा रहेगा इन तीनों चीज़ों के साथ मिलकर। फिर देखिए, आपको लेना है ऑयल, आप यहाँ पर विटामिन ई के कैप्सूल भी ले सकते हैं दो, या फिर यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल की दो दो तीन बूंद ले सकते हैं। मैंने लिया है यहाँ पर बादाम का तेल, ज़्यादा मत लीजिएगा, गर्मी है तो दो बूंद ही काफ़ी होगा, ज़्यादा नहीं लेना है। इससे आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पर जो एंटी एजिंग लक्षण शुरू हो जाते हैं, उम्र से पहले झुर्रियाँ हो जाती हैं, स्किन लटक जाती है, डल पड़ जाती है, उसे सही करने में हेल्प करेगा जो भी ऑयल लेंगे आप। तो आपको इन सारी चीज़ों को कर लेना है यहाँ पर बढ़िया तरह से मिक्स। ये बन गया है आपका बहुत बेहतरीन वाला सीरम, मार्केट से कई गुना ज़्यादा आपको ये बेनिफिट देगा। आपको इसे कैसे लगाना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करा करें, वीडियो को सही तरीके से पूरी वीडियो को देखा करें, सही जानकारी मिलेगी तो सही तरह से रेमेडी यूज करेंगे और सही तरीके से आपकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो सकेंगी। तो मिक्स करके देखिए, आपको इसे लगाना है अपने पूरे चेहरे पर। कैसे लगाना है अभी मैं आपको बताऊंगी हाथ पर लगाकर। पहले अपने चेहरे को आपको साफ़ कर लेना है, चाहे तो रोज़ वाटर से साफ़ कर लीजिए और मेकअप किया है तो उसे भी साफ़ करके बढ़िया तरह से अपने चेहरे पर आपको इसे लगा लेना है। और इसकी करनी है आपको मसाज, जैसे फेशियल करते हैं ठीक इसी तरह से ऊपर की तरफ को चेहरे पर बढ़िया तरह से मसाज करनी है, कम से कम 2-3 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसे आपको अपनी स्किन में पहुँचाना है। बढ़िया तरह से आपकी स्किन के अंदर जाएगा तो आपकी स्किन की सारी डलनेस ख़त्म होगी, ड्राइनेस ख़त्म होगी, झुर्रियाँ कम होंगी, डार्क स्पॉट्स भी कम होते चले जाएंगे और स्किन साफ भी हो जाएगी, बढ़िया तरह से स्किन को क्लीन भी कर देगी रेमेडी। तो देखिए, ठीक इसी तरह से मसाज करनी है फ्रेंड्स। आप इस रेमेडी को रात में करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देगी, क्योंकि अगर आप इसे रात में लगा कर सोते हैं तो रात में हमारी स्किन रिपेयर होती है, तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा रात में अगर आप इसे ठीक इसी तरह से लगाते हैं। तो आपको मसाज करके 2-3 मिनट बढ़िया तरह से अपना चेहरा धो लेना है सादे पानी से, नॉर्मल पानी से। और यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं आपको रिजल्ट, इंस्टेंट बिल्कुल देख सकते हैं आप, मेरी स्किन देखिए कितनी साफ़ हो गई है हाथ की, और बहुत ही ज़्यादा मुलायम भी हो गई है, क्योंकि स्किन मॉइस्चराइज हो गई है, हाइड्रेट हो गई है,
तो ग्लो आपको दिख सकता है, चमक दिख सकती है आपको मेरे हाथ पर। देखिए कितनी बढ़िया रेमेडी है, कुछ भी तामझाम नहीं है, कोई टमाटर नहीं लाना, कोई बेसन नहीं लाना, कुछ नहीं करना। दो तीन चीज़ों को मिलाइए और अपने चेहरे पर लगाइए। चाहे तो आप इसे फ्रिज में बना कर रख लीजिए, थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दीजिएगा, नहीं तो इसमें जो ऑयल है वो जम जाएगा और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन चार दिनों की बना कर रख लीजिए। ये एक तरह का सीरम है फ्रेंड्स, आपकी स्किन को चमकदार बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा और दाग धब्बों से, झाइयों से, झुर्रियों से फ्री बनाएगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखिए आपको अपना चेहरा धोकर एक चीज़ और लगानी है इस सीरम के बाद में, थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिएगा और इसकी मसाज कर लीजिएगा। अगर आप इसे रात में कर रहे हैं तो रेमेडी को लगाकर धोकर एलोवेरा जेल लगाकर सो जाइए, या फिर आप दिन में कर रहे हैं तो दिन में भी आपको ठीक ये ऐसे ही पूरा प्रोसीजर करना है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी रेमेडी है, आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाली है। स्किन बिल्कुल मुलायम भी रहेगी, दाग धब्बों से फ्री बनेगी, हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपको मिलेगी इस रेमेडी से। बिल्कुल नेचुरल है, 100% वर्किंग है, कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगना, ना बाजार के सीरम लाने आपको, ना बाजार का फेस क्रीम लानी है। तो ये बहुत बढ़िया रहेगी, बना कर रख लीजिए। यहाँ पर रिजल्ट देखिए आप, यहाँ भी मैं दिखा रही हूँ, एक हाथ मेरा डल है और एक हाथ मेरा चमकदार है। ये रिजल्ट आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही बनाइए रेमेडी, इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। गर्मी के मौसम में तो वैसे भी स्किन डल पड़ जाती है, तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आज ही स्किन की केयर करना शुरू करिए इस रेमेडी से। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाकर लाती हूँ आपके लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए फिर आऊँगी अच्छी सी नेचुरल सी रेमेडी लेकर, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। सारी रेमेडी को आपको ऐसे ही फॉलो करना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।